सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्टेकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में CISF LDC ASI का फॉर्म किस तरह से भरना है, ये लाइव हो चुके हैं 20 तारीख से। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने ई संग्रहण पर लॉगिन करना है। उसे लॉगिन करने के लिए आपके पास जो एम्प्लॉय कॉर्नर का आपका यूज़र नेम, जो कि फोर्स नंबर और पासवर्ड आपको डालना है, देन आपके पास OTP आएगा। फिर उसके बाद आप लॉगिन करने के कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर ये जो टैब दिख रहा है ASI LDC 2023 का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट विंडो पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि इस तरह दिखेगी। इस बटन पर लिखा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल, जो कि आपका नाम, CISF नंबर, रैंक, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि 10 से ली हुई है, जेंडर आपका, कैटेगरी क्या है। अब कैटेगरी में आप अगर कोई कोटा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको नो की जगह यस करना है, और नोटिफिकेशन में जो फॉर्म दिया गया है उसको फिल करके अपने फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यस किया तो एक इनेबल हो गया। अब अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, और आप किस स्टेट से करते हैं ये आ जाएगा, आपका सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेन आपको नोटिफिकेशन में इसका फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और अपना हिल एरिया का सर्टिफिकेट जमा करना होगा आपको। फिर आपका रिलीजन आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी आपकी, और फिर आपका CISF में अपॉइंटमेंट कब हुआ वो आ जाएगा। देन आपकी प्रेजेंट यूनिट कौन सी है वो भरनी है आपको, जो भी आपकी यूनिट है CISF की। तो मैं यहाँ पर अपनी यूनिट भर लेता हूँ, जो कि डमी यूनिट है, आपको बता दूँ पहले। तो मैं यहाँ पर BCCL धनबाद ले लेता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी सारी यूनिट्स दी हुई हैं CISF की, BCCL धनबाद लेता हूँ। फिर आपका आता है अगर आप डेप्यूटेशन में हैं तो यस करके जो भी आपकी प्रेजेंट प्लेस है डेप्यूटेशन की, एड्रेस वो फिल करना है। अगर नहीं है तो नो पे आप क्लिक रहने देंगे। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ऊपर आपको बेसिक डिटेल में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिखाएगा, जिसमें आपका जो PIS डेटा में अपडेट हुआ होगा, अगर आपका 10th शो कर रहा है तो आप अपने PIS ऑफिस में जाएं, वहां से जाकर अपना अपडेट करवाएं ताकि ग्रेजुएशन भरें और तभी आप आगे बढ़ें। जैसे यहां पे BTech कंप्यूटर साइंस दिखा रहा है मेरा क्वालिफिकेशन, तो वहां पे अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं दिखा रहा है तो आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर अपडेट करवाना होगा, तभी आप इसको फाइनल सबमिट करें, अदरवाइज़ फॉर्म आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका मेजर माइनर पनिशमेंट अगर आपका है तो फॉर्म आप वैसे भी नहीं भर पाते, नहीं है तो इसमें नील भर देंगे। ठीक है, फिर अगर आप 2017 बैच से हैं तो आपने अगर 2022 वाला LDC फॉर्म भरा है तो आपको चांस अवेल्ड में 1 डालना होगा। ठीक है, 0 नहीं डालेंगे, 1 डालेंगे। फिर आपका आइडेंटिटी मार्क डाल देना है, देन आपके 5 साल सर्विस में कब हो रहे हैं, ये 5 साल काउंट होंगे जब आप अपॉइंट हुए हैं। सपोज़ आप 2017 में अपॉइंट हुए हैं तो 1 अप्रैल 2017 को हुए हैं, तो 1 अप्रैल 2022 में आपको 5 साल हो जाएंगे। 5 साल में आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू सर्विस 5 साल है, ये आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। और अगर आप 31/7/2018 से पहले भर्ती नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है क्लियर, बाकी मैं आपने डिस्क्रिप्शन में अभी नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप कोई कोटा लेना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म भरना होगा आपको, और इस फॉर्म को भरने के बाद प्रिंट आउट आपके साथ आपको आपका आईडी कार्ड का फ़ोटो कापी, 10th की मार्कशीट की फ़ोटो कापी, 12th की मार्कशीट, साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री की मार्कशीट की फ़ोटो कापी चाहिए। CF1 का आपका 2023 का देना होगा, साथ साथ अपार जो आपका लिखा होगा डॉक्यूमेंट सेक्शन से भी ले सकते हैं, और CF1 आपने जमा किया होगा तो उसका फ़ोटो कॉपी आपके पास होगा, ये आप अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन से भी जा करके ले सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन में नीचे बताया गया है कि आप की हाइट, वेट क्या होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स हैं होते हैं इस पेपर में, और ये देखिए 5 साल बताया गया, 5 साल कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए।
फिर अपर एज लिमिट है आपकी 35 ईयर्स, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का वो दिया गया रिलैक्सेशन, जो कि एससी और एसटी के लिए ही है, ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एजुकेशन के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए कोई भी, क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए इन 5 सालों में, और आपकी हाइट होनी चाहिए 170, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 165, हिल स्टेरियस से बिलोंग करते हैं 157। इसी तरह से ये पूरा आपको ब्रीफ में दिया गया है, आपकी नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपके चार पेपर होते हैं, चार सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें 50-50 नंबर के चार सेक्शन होंगे, टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। हर सेक्शन में आपको पास होना है, साथ साथ ओवरऑल ही पास होना है। हर एक सेक्शन में आपको 40% मार्क्स लाना है, साथ साथ आपको 45% टोटल में लाना है। इसमें 5% की छूट दी है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, देन आप मेरिट लगेगी और आप सिलेक्शन हो जाते हैं। इसमें रन फिजिकल प्रोसेस थोड़ा चेंज करा गया है, पहले फिजिकल हुआ था 1600 मीटर, अब वो कर दिया गया 3200 मीटर, टाइम बढ़ा दिया गया 16 मिनट 6 सेकंड, और 35 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो 17 मिनट 46 सेकंड का है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन, देन इसमें डेट भी कुछ मेंशन करी हुई है कब तक हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने फॉर्म में। ये सब देखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे अपनी। सबमिट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। नेक्स्ट स्क्रीन में आपका फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, ये फ़ोटो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, साथ साथ ये फ़ोटो आपका ड्रेस में होना चाहिए जिसमें आपकी कैप नहीं होनी चाहिए, और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो बिना चश्मे के फ़ोटो आपको अपलोड करना है। साथ साथ फ़ोटो में आपके दोनों शोल्डर दिखने चाहिए क्लियर, और साइज़ आपको बताया मैंने 20 KB से 50 KB के बीच में। मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया रिसाइज़ करने के बाद, अब वो फ़ोटो के नीचे आपकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए, एक ये चीज़ और है, फ़ोटो के नीचे डेट भी मेंशन होनी चाहिए, जो कि आपकी पब्लिकेशन से जब भी आपकी नोटिफिकेशन आया उससे 3 महीने पहले के ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया बिना डेट का, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ अगर आप इस तरह की गलती कर देते हैं तो कैसे एडिट करेंगे। फिर आपको अपना साइन अपलोड कर देना है, साइन का साइज़ आपका है 10 से 20 KB का, फिर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका मैसेज आ जाएगा, देन इस तरह का आपका फॉर्म खुलेगा, पूछेगा कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस है आपके आगे, या कभी कोर्ट में हुआ, कभी जेल गए हो, इन सभी में आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नो भरा हुआ है, अगर आप अगेंस्ट कोई FIR हुआ है, यस हुआ है, किस केस में हुआ है तो आप उसकी डिटेल दें, अदरवाइज नो करके सब में आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये सब आप नो करके जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और आएगा कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, गलत नहीं दे रहा, इस तरह का एक मैसेज है ये कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मेरे द्वारा ये सब सही है। इस पर चेकबॉक्स पर सिलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो डेटा सबमिट का मैसेज आ जाएगा। फिर अगेन वही क्रिमिनल पेंडिंग, कोई केस है आपके अगेन, कोई केस चल रहा है या पनिशमेंट दिया हुआ है या चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, सभी नो। अगर आपको कोई आपके खिलाफ में DE चल रही है, यस है तो मेजर में चल रही है, माइनर में चल रही है, और अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल अगर आपको क्लीन रिकॉर्ड है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और नीचे फिर से अगेन एक चेकबॉक्स में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि मेरे द्वारा सभी इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है वो सही है और मैंने पूरा फॉर्म पढ़ लिया है, इस तरह से सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। फिर ये आ जाए आपका फाइनल सबमिशन का कि भाई इसमें आपका फ़ोटो दिखेगा, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं तो इसमें डेट नहीं है, डेट अगर आप बिना डेट का फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फाइनल सबमिशन से पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कभी भी जो चीज़ गलत हुआ उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया बिना डेट का, अब मैं इसको एडिट करूँगा, नीचे ऑप्शन स्क्रॉल करेंगे तो ये आ रहा है एडिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या चीज़ एडिट करना है। मैंने एडिट करना है फ़ोटो को, तो फ़ोटो मैंने एडिट कर लिया है, अब उसको दोबारा से आप अपलोड कर देंगे तो नीचे फ़ोटो के नीचे आपकी डेट होनी चाहिए, साथ साथ आपका नेम, रैंक आप एक बार फिर से पढ़ लें, अगर आपको सही लगता है तो आप फाइनल सबमिशन कर दें, अदरवाइज़ आप फिर से एडिट कर लें उसको। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट निकाल लेंगे, ये आपका फाइनल हो चुका है, इस प्रिंट को आपको देना अपने ऑफिस में। इसके साथ साथ आपको अपने CISF की ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10th 12th की फ़ोटोकॉपी और डिग्री के
फोटोकॉपी लगानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।